तो फ्रेंड्स आज की वैकेंसी निकल के आ रही है बेस्कॉम में, यानी कि बैंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड में, और यहाँ पे सिविल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, ईसी वाले, सीएस वालों के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकल के आ रही है, जहाँ पे आपका कोई भी इंटरव्यू कंडक्ट नहीं किया जाएगा, क्वालिफिकेशन के मार्क्स के बेसिस पे ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाना है। और यहाँ पे डिप्लोमा, बी, बीटेक अलग अलग स्ट्रीम में यहाँ पे एलिजिबल है। तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ताकि मैं पूरा नोटिफिकेशन आप लोग को डिटेल में पढ़ के आप लोग को समझा दूं, ताकि आपको साची यहाँ पे समझ में आ जाए और आप यहाँ पे अप्लाई कर सको प्रॉपर तरीके से। और यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन फीस भी यहाँ पे नहीं देना है, कोई एग्जाम भी आपका कंडक्ट यहाँ पे नहीं होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ताकि आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सारा नोटिफिकेशन आपको समझ में आ सके और आप प्रॉपर तरीके से यहाँ पे अप्लाई कर सको। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, दूसरों की हेल्प हो जाएगी और मेरी भी हेल्प हो जाएगी कहीं ना कहीं। और अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं एवरीडे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्राइवेट और गवर्नमेंट आपकी नोटिफिकेशन आपके लिए लाता रहता हूँ। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो अनअकैडमी लाया है आप लोग के लिए स्पेशल क्लासेस। अगर आप यहाँ पे 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए है एक्सेलरेट क्लासेस, और अगर आप यहाँ पे 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए है आरोहन क्लासेस। क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट होने जा रही है 21 जुलाई से। तो यहाँ पे एक्सेलरेट क्लासेस आपकी स्टार्ट होने जा रही है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के साथ, और ये स्टार्ट करने वाले हैं जेएस गिल सर मॉर्निंग में 10:30 बजे से। और आरोहन क्लासेस स्टार्ट होने वाली है जियो टेक्निकल एंड फाउंडेशन क्लासेस के साथ, और इसको स्टार्ट करने वाले हैं जसपाल सिंह सर, और ये क्लासेस आपकी स्टार्ट होगी 5:00 बजे से। तो इस कोर्स में आपको यहाँ पे 800+ आवर से भी ज्यादा का लेक्चर्स मिल जाएगा, साथ में बहुत सारे लाइव डाउट सेशन यहाँ पे होते रहते हैं। इसमें आप 1-to-1 करके अपने सारे क्वेरी को यहाँ पे रिजोल्व कर सकते हो, और यहाँ पे रेगुलर लाइव टेस्ट सीरीज होती रहती है, जिसमें आप पार्टिसिपेट करके ऑल इंडिया बेसिस पे खुद को जज कर सकते हो कि आप किस प्लेटफॉर्म पे, किस जगह पे खड़े हो। इससे आपकी अच्छी खासी तैयारी भी होती रहेगी। तो यहाँ पे ऑल इंडिया से बेस्ट एडुकेटर्स के द्वारा आपको यहाँ पे तैयारी करने का मौका मिलता है, और उनके द्वारा बनाए गए नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और जो टेस्ट सीरीज आप दोगे उसका भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा उसके बाद ही। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, जाके एनरोल कर लीजिए और इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स के द्वारा आप अपनी तैयारी को शुरू करिए। अगर आप मेरा कोड CIVIL को अप्लाई करते हो तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलता है। तो CIVIL कोड, इस कोड को आप याद रखिएगा, इसको अप्लाई करना मत भूलिएगा। अनअकैडमी लाया है इंडियाज लार्जेस्ट वीकली कंपटीशन फॉर गेट, जिसमें आप एग्जाम देके खुद के परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हो, और यहाँ से आपको अच्छा खासा स्कॉलरशिप भी मिल सकता है। यहाँ पे जो एग्जाम आपका होने वाला है वो 60 मिनट्स का होने वाला है, और ये एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स के द्वारा बनाए गए हैं, और सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे यूनिक क्वेश्चंस है, जिससे आपके पास एक अच्छा खासा यूनिक क्वेश्चन का स्टॉक भी हो जाता है। तो यहाँ पे जो एलिजिबल ब्रांचेस है वो है सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ईसी वाले, सीएस वाले और आईटी वाले। अगर आप इस एग्जाम को लाइव देते हो तो आप लोगों के पास मौका है खुद के रैंक को चेक करने का, कि ऑल इंडिया बेसिस पे आप किस जगह पे खड़े हो, क्योंकि आपको यहाँ पे लाइव रैंक प्रोवाइड किया जाएगा ऑल इंडिया बेसिस पे, ताकि आपको पता चल सके कि आप ऑल ओवर इंडिया में किस जगह पे खड़े हैं। और इसके साथ ही जैसे ही आपका एग्जाम यहाँ पे खत्म होता है, आपको यहाँ पे पीडीएफ में डिटेल सॉल्यूशन मिलता है, साथ में ही वीडियो के रूप में भी आपको डिटेल सॉल्यूशन इसका मिल जाएगा। ये फ्री कॉम्बैट आपका होने वाला है 25 जुलाई को मॉर्निंग में 11 बजे से। तो खुद को रजिस्टर कर ले बिल्कुल फ्री में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, आप उस लिंक से जाके अनअकैडमी के ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और उस पे आप खुद को रजिस्टर कर लीजिएगा। मेरा कोड CIVIL को अप्लाई जरूर कीजिएगा, इससे आप फ्री में वहां पे इस कॉम्बैट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपने परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको सबसे पहले यहाँ पे आना है नेट्स पोर्टल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां से अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए आप लोग यहाँ पे अप्लाई करते हो। तो यहीं पे ये वैकेंसी निकल के आ रही है, यहाँ पे मोर अनाउंसमेंट आपको नीचे मिल जाएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो बेसिकली ये एक अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है, तो मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि अगर आप खाली बैठे हो तो कुछ नहीं करने से अच्छा कुछ करना है। मैंने कल ही एक रिक्रूटमेंट निकाला था जो कि बहुत अच्छा था, प्रोजेक्ट इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर का, और उसमें जो एक्सपीरियंस मांगा गया था आप लोग से, उसमें अप्रेंटिसशिप का ट्रेनिंग इंक्लूड किया हुआ था। जिनके पास अप्रेंटिसशिप का ट्रेनिंग है वो लोग उसको भी भर सकते थे 1 साल का, ठीक है। तो बहुत अच्छा मौका था आप लोग के पास, अगर आपने अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ये किया होता तो आप वहां पर भी एलिजिबल हो जाते अप्लाई करने के लिए। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं आप लोग को, अगर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग आपके पास मौका है करने का तो उसको जरूर कीजिए, कहीं ना कहीं वो एज ए एक्सपीरियंस भी काम आ जाएगी और आपके पास स्किल तो सीखने का मौका मिलेगा ही, साथ में कुछ आपके पास स्टाइपेंड भी खर्च के रूप में आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे आप इस अनाउंसमेंट के रूप में आते हो, देखिए सबसे ऊपर यहाँ पे दिया हुआ है नोटिफिकेशन फॉर द सिलेक्शन ऑफ ग्रेजुएट एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिसेस
इन बैंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड बैंगलोर, ठीक है, जिसका लास्ट डेट 30 जुलाई यहाँ पे रखा गया है। तो चलिए इसी पे यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो आपके पास ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे खुल के सामने आ जाएगा। मैंने पहले से खोल के यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्कआउट करके रखा हुआ है। चलिए इसको सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे नेट्स पोर्टल पे खुद को रजिस्टर करना होगा। सारा स्टेप आपको इस वीडियो में मैं दिखा दूंगा, ठीक है। नेट्स पोर्टल में एनरोल करने के लिए जो लास्ट डेट रखा गया है वो है आपका 30/7/2021, ठीक है। और यहाँ पे अप्लाई करने के लिए जो लास्ट डेट रखा गया है वो है आपका 5/8/2021। तो 5 अगस्त तक आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। बहुत जल्दी से फास्ट प्रोसेस चलने वाला है इसका सिलेक्शन का। डिक्लेरेशन ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट जो है वो रखा गया है यहाँ पे 10/8/2021। इस दिन जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनका लिस्ट निकाल दिया जाएगा। और यहाँ पे वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स के लिए आपका यहाँ पे डेट रखा गया है 16/8/2021 से लेके 18/8/2021। इस बीच आपको आकर यहाँ पे अपना जो डॉक्यूमेंट्स है उसको क्या करना है, वेरीफाई करवा लेना है। टाइमिंग आपका 11 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक रखा गया है। और ये वो एड्रेस है जिस एड्रेस पे जाके आपको अपना डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना है, जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे उन्हीं लोग के लिए, ठीक है। तो देख लीजिए ये अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग निकाली गई है बैंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड में। और यहाँ पे ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स दोनों ही यहाँ पे एलिजिबल हो। अब कैटेगरी वाइज हम लोग यहाँ पे पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो ग्रेजुएट अप्रेंटिसेस हैं उन लोग की पहली बात करते हैं, उसके बाद डिप्लोमा वाले के लिए बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर आपने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में यहाँ पे आपने ग्रेजुएट किया हुआ है, यानी कि बी बीटेक किया हुआ है, तो यहाँ पे आप लोग के लिए 143 वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग किया हुआ है तो 116 यहाँ पे पोस्ट है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग किया हुआ है तो 36 है। इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग किया हुआ है तो 20 है। सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए 5 है और इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए 5 है। मंथली स्टाइपेंड आपको यहाँ पे 7,000 मिलने वाला है और एक साल का ये इंटर्नशिप आपका यहाँ पे चलने वाला है। इसी तरीके से अगर हम लोग डिप्लोमा की बात करें तो डिप्लोमा में यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वालों के लिए 55 है, इसी वालों के लिए 10 है, कंप्यूटर साइंस वालों के लिए 10 है। यहाँ पे मंथली स्टाइपेंड आपको 5,000 मिलने वाला है, एक साल का आपका यहाँ पे ट्रेनिंग ये रहने वाला है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर आप ग्रेजुएट वालों के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपका बीई बीटेक होना चाहिए और डिप्लोमा वालों के लिए 3 साल का डिप्लोमा आपका यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने अभी आपको बता दिया। अगर आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए, यानी कि आपने 2018-19-20 के पास आउट हो तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। आप सिर्फ ये देख लीजिएगा जो आपका पासिंग सर्टिफिकेट जो आया है वो जुलाई 2018 के बाद का हो तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाओगे अप्लाई करने के लिए। तो एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आपने कहीं से पहले से इंटर्नशिप किया हुआ है या कहीं से आप कर रहे हो, चेंज करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो। और आपके पास एक साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस भी हो चुका है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो। लेकिन मान लीजिए आप 2018 के बाद के ही पास आउट हो लेकिन आपके पास एक साल का एक्सपीरियंस भी है लेकिन खाली बैठे हो, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो, अप्लाई कर दो, वो एक साल का एक्सपीरियंस आप यहाँ पे शो मत करना, ठीक है। मिनिमम एज आपका यहाँ पे 18 ईयर्स होना चाहिए इसको अप्लाई करने के लिए। ट्रेनिंग का ड्यूरेशन यहाँ पे एक साल का आपका रहने वाला है, साफ साफ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो आपके मार्क्स के बेसिस पे, आपके क्वालिफिकेशन में जो मार्क्स आए हुए हैं उसी के बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। और आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आपको यहाँ पे जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे उन लोगों को यहाँ पे इन्फॉर्म भी कर दिया जाएगा। अब चलिए बात करते हैं प्रोसीजर के बारे में कि यहाँ पे आपको रजिस्टर कैसे करना है। तो यहाँ पे दो तरीके से बहुत ही अच्छे से स्टेप बाय स्टेप बता दिया गया है। अगर आप नेट्स पोर्टल पे खुद को ऑलरेडी एनरोल कर लिए हो तो आपके लिए ये वाला प्रोसेस है, और अगर आपने नहीं किया हुआ है नेट्स पोर्टल पे तो पहले आपको ये स्टेप 1 में बता दिया गया है कि कैसे आपको नेट्स पोर्टल में यहाँ पे रजिस्टर करना है खुद को, उसके बाद स्टेप 2 वाला ये स्टेप फॉलो कीजिएगा जो कि सेम ये वाला है। तो पहले हम लोग बात करते हैं जो ऑलरेडी एनरोल्ड है, उन लोगों को क्या करना है, डायरेक्ट लॉगिन करना है। आप लोग को लॉगिन करने के बाद आपको क्लिक करना होगा एस्टेब्लिशमेंट रिक्वेस्ट मेन्यू पे, वहां पे आपको फाइंड एस्टेब्लिशमेंट पे क्लिक करना है। आपको अपना रिज्यूम वहां पे अपलोड करना है, उसके बाद आपको एस्टेब्लिशमेंट नेम वहां पे सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। आपको टाइप करना होगा बैंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड, सर्च करना होगा, फिर क्लिक अप्लाई 2 बार क्लिक कीजिएगा तो वहां पे आपका अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये उन लोग के लिए जो नेट्स पोर्टल पे खुद को ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं, और जो खुद को एनरोल नहीं किए हैं उनको सबसे पहले आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा www.mhrdnets.gov.in। वहां पे जाने के बाद आपको एनरोल ऑप्शन मिल जाता है, एनरोल ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा जिसको आपको पूरा भरना है, और सब भर दोगे तो आप लोग को वहां से एक यूनिक एनरोलमेंट नंबर मिलेगा, वो नंबर जनरेट हो जाएगा वहां पे, और वही नंबर आप जब आप वहां पे फॉर्म फिलअप करोगे ना तो वहां पे लगने वाला है, ठीक है। तो ये आसान सा प्रोसेस था। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा कि कहां से आपको एनरोल करना है खुद को नेट्स वेब पोर्टल के लिए, ठीक है। अगर आप लोग को दिक्कत होगी तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं ऐसे एक वीडियो बनाकर डाल दूंगा आप लोग के लिए, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो मैं आप लोग को बता चुका हूं पहले से। कुछ भी दिक्कत है तो यहाँ पे ईमेल आईडी दिया हुआ है, इस पे आप
मेल करके उस क्वेरी को रिजॉल्व करवा सकते हैं। यहाँ पे आप ये वेबसाइट देख लीजिए जिसपे जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनका यहाँ पे अपलोड किया जाएगा लिस्ट, ठीक है। तो www.boat-srp.com इसी वेबसाइट पे जाके आपको अपना रिजल्ट चेक करते रहना है। तो रेगुलर इंटरवल पे एक बार जाके विजिट जरूर करते रहिएगा। जनरल इंस्ट्रक्शन की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए कन्नाडा लैंग्वेज आपको आना चाहिए। यहाँ पे रीडिंग राइटिंग TADA कुछ भी आपको यहाँ पे नहीं किया जाएगा ट्रैवल एक्सपेंसेस के लिए, ठीक है। तो आई होप मैंने सारा चीज यहाँ पे कवर कर दिया है। कोई भी दिक्कत है तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। जैसे ये आप देख सकते हो यहाँ पे mhrdnets.gov.in का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहीं पे आने के बाद आपको यहाँ पे देखिए एनरोल का ऑप्शन मिल जाता है। इसी एनरोल पे क्लिक करके सारा फॉर्म फिलअप करके खुद को आपको यहाँ पे एनरोल करना है, उसके बाद ही आप अप्लाई करना। सारा स्टेप आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन का लिंक भी मैंने प्रोवाइड कर दिया है। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को हेल्प कर दूंगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, दूसरों की हेल्प हो जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं एवरीडे सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन आपके लिए लाता रहता हूं। और मुझे मेरे चैनल टेलीग्राम पे आप फॉलो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बिजी होने के कारण इस चैनल पर डे एक ही वीडियो ला पाता हूं। और बाकी के जितने भी रिक्रूटमेंट रहते हैं या इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रहते हैं या सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कुछ भी रहा इंटरव्यू के कुछ भी, वो सारे मैं टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग के लिए शेयर कर देता हूं। तो वहां पे आप लोग मुझसे जुड़े जरूर रहिएगा। किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा तो आपको लिंक मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम से आपको जुड़ने का, तो वहां पे मुझे आप फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में फिर क्वेश्चन लेके आऊंगा आप लोग के लिए। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।